गाइस आप सबका स्वागत है आपके फेवरेट रिएक्शन चैनल में। और आज हम लेके आए बिग बी मूवी के क्लाइमैक्स सीन का रिएक्शन। सो ये सीन का सबसे ज्यादा वेट था बिकॉज अब देखना होगा किस तरीके से अब बिलाल और साहिब टोनी की फाइट होगी, बिकॉज वही चीज देखना है क्या सेटलमेंट होती है। एक्चुअली सेटलमेंट हो नहीं सकती, जब दो इतने बड़े डॉन मिलेंगे कैसे ही सेटलमेंट होगी। बिलाल बिलाल हाँ, तो बिलाल की साइड से चीयर करने वाले आ चुके, ऐसा देखते हैं फिर आप भी देखो हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। आइकॉनिक वॉक। प्लानिंग ही जा बुरा। एडी आ गया पैसे लेकर। अच्छा अभी यहां से बोट पे आइलैंड पे लेके जाएंगे। तो गन्स चेक करके लेके जा रहे हैं फिर कैसे? वही तो बात है। बिलाल अलग वाइब के साथ आता नहीं, तो नहीं बिलाल आए नहीं अभी तक। ये वही बीच लग रहा है मेरे को। बीच है क्या? हाँ बीच ही लग रहा है। क्या मलती? सेरी सेरी वाइब पता नहीं। ये गड्ढा किसके लिए खोद रहे हैं? क्या कर रहे हैं वही लोग? फुल सस्पेंस बिल्ड किया जा रहा है। फोन किसको बजा रहे हैं? वो दिखा रहे हैं कि मैं आ रहा हूँ। और टोनी ये टीम बोल रही है ले रहा भाई बंद हो जाए चिल्ला कर ला। दूर से तो होमलेस लगता है पर फिर बाद देखो डॉन लगता है। बेचारे को खाना वाना खिलाऊं ऐसा लग रहा है। बाल बाल उसको बांधू, थोड़ा शेविंग करवाऊं। ओ फुल कैश पैसा। टोनी ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ദയവു ചെയ്ത് ഇനി പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുക, ഞങ്ങൾക്ക് അതിന് താല്പര്യമില്ല. എനിക്ക് താല്പര്യമുണ്ട് ടോണി പ്ലീസ്. ഗുരുസിംഗ് പിള്ളേരോട് എനിക്ക് കുറച്ച് ബഹുമാനം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ വരുന്ന പോലെ. നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ഇത്ര ബുദ്ധിയില്ലാതായി പോയത്? ടോണി ഞങ്ങൾ കോംപ്രമൈസിന് വന്നതാണ്. അതെ ടോണി കോംപ്രമൈസിന് വിളിക്കും, കാശ് മേടിക്കും പിന്നെ ദേ അതിനകത്തേക്ക്. ഉസ്കെ അന്ദർ ഇൻകോ ഡാലേഗാ? സായിപ്പേ നീ തന്തയില്ലായ്മ കാണിക്കുമെന്ന് ബിലാല് പറഞ്ഞു, അത് കണ്ടിട്ട് തന്നെ നീ എന്താ ആദ്യം പറഞ്ഞത്? ഞങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിയില്ല. മേരി ടീച്ചർ ഞങ്ങളെ നല്ല ബുദ്ധിയുള്ള പിള്ളേരായിട്ട് തന്നെ വളർത്തിയത്. നിനക്കില്ലാതെ പോയതും അങ്ങനെ ഒരു അമ്മയാണ്. ओ भाई वो सारे इनकी साइड है। साहिब के सारे बंदे उधर हो गए। ये कैसे हो गया? अभी एक्चुअली होमलेस है भाई। ई काश നിനക്കല്ല ഇത്രയേ നാളും നിന്റെ ആട്ടും തുപ്പും സഹിച്ച് നിന്നോടൊപ്പം നിന്ന ഇവർക്കുള്ള കമാൽ. ഇവന്മാരെ മറിയുന്ന ആദ്യം ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചില്ല. അടുത്തപ്പോഴല്ലേ നിനക്കിട്ട് ഇവന്മാരെ കാത്തിരിക്കാന്ന് അറിഞ്ഞു. അസി നിന്റെ തന്തമാര് കൊച്ചി കപ്പലേറും മുമ്പേ നമ്മുടെ ബാപ്പയ്ക്ക് ഈ സീൻ തന്നെയായിരുന്നു. ടോണി ഇപ്പോൾ നീ ഒറ്റയാവുന്നതിന്റെ സുഖം എന്താണെന്ന് അറിയുന്നു? അപ്പനെയും ബന്ധേ തിരക്കും മാറി ടോണി എന്നും ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെ
ഞാൻ തീറ്റ കൊടുത്ത ഏത് കൈയാ എനിക്കിട്ട് പണിയെന്ന് എനിക്കൊന്ന് അറിയണം. जहाँ पे लोग गाड़ियों से आए ये वहाँ पे भी चल के आ रहे हैं. इसकी वॉक क्या स्टाइल है यार, अलग ही है यार सच में. ये बोट से आए हैं, गाड़ियों से आए हैं ये. और इनको चल इनको अटेंशन की जरूरत भी नहीं है. मतलब कैसे हॉर्न बजाते हुए आ रहा था, पूरा माहौल बना रहा था. ये खुद जो है ना यही काफी है. वाओ, इन्होंने चलना स्टाइलिश बनाया. यस, जाना कल से सुबह वॉक. बिलाल जॉन गुरी सिंह. अब तू कॉम्प्रोमाइज मांग. ओ, इनकी हैंड टू हैंड फाइट. मिसिंग यू बीजू. अरे जरूरत क्या थी, गोली में एक ही गोली में मर जाता, ये सो जाता. ओ भाई, ये गुस्सा निकालना जरूरी था. एक गोली में उतना गुस्सा नहीं निकाल पाते. अब देखो टक्कर का मिला ना कोई. ओ, ओ से जीप ट्विस्ट की. ट्विस्ट कर यार, ये एक्चुअल में टंग ट्विस्टर है. तो ट्रिमर लेके दे तू. वो एक्चुअल होमलेस है वो. ट्रिमर चाहिए उसको, ट्रिमर. वाह, एक मुक्का मुझे. ओ भाई, ये पहली बार इतना मास सीन देखा मैंने कि बंदे अपनी साइड करके फिर उसी को मार रहे हैं. ओ, उसको धक्का भी दे रहे हैं कि खा दूं मार. हाँ, फ्रस्ट्रेट हो चुके होंगे इससे. ओ गया नेक. लास्ट तो भाई बहुत खतरनाक किया इन्होंने. खत्म. मेक श्योर करने के लिए एक गोली, एक और गोली मार दो. क्या क्या बोलता है ना, एक और गोली तो मार लेनी चाहिए. बिलाल की नी लगी है. कंफर्मेशन के लिए. वो कंफर्मेशन मिल गया. और कुछ नहीं चाहिए. पानी में डाल देंगे अभी. ओ, ये गड्ढा उसी के लिए काम आया. वापिस से और फ्रिज बना लिया है. सब भाई साथ रह रहे हैं. इन उड़े रचित मति उड़ गा. वाह वाह. ये चल चल. ओए वही लड़का. टीचर वरान पर बिलाल ലഞ്ച് റെഡി. നീ അബുനെ കൂടി വിളിക്കേ. ഹേ, വോ ആക്ച്വലി സബ് കർ റഹി ഹേ അബി ഭി. വാവ്, ഇത്നി പ്യാരി എൻഡിംഗ് ഹേ. क्या जबरदस्त क्लाइमैक्स सीन था ये. और ये मैंने फर्स्ट टाइम देखा कि सामने वाली टीम के सारे बंदे को खुद ले लिया. और तभी हमें वो शॉट मुझे समझ आया, वो जो 80 का शॉट था ना, जब वो इतनी देर सोच रहा था तो इसलिए रखा गया था कि उसको ये बोला गया कि भाई तुम्हें हम सारा पैसा दे देंगे, तुम लोग हमारी साइड आ जाओ. और
ये तो अच्छा हुआ कि वो लोग मान गए, नहीं माने होते तो शायद ये लोग फंस भी जाते, पर ये कितना कमाल। और सबसे बेस्ट था वो बीच पे वॉक, सब लोग गाड़ी पे आ रहे हैं पर वो वॉक करके आए, मस्त लगा। सच में, पर मेरे को एक चीज, ये पूरी स्टोरी उसी पे ही है, पर मैं सोच रही थी जब वो टीचर थी ना तब वो आ जाते एक बार, क्योंकि वो बहुत उनको मिस करती थी, उनका वेट करती थी, तो साथ में वो कभी आए नहीं, उनको लगा कि उनके रास्ते अलग है, पर वो अपनी माँ के लिए लड़े और मतलब पूरा उसको खत्म कर दिया जिसने उनको मारा। पर अगर ये हम ये लोग साथ में होते, एक बार मैं देखना चाहती थी इनकी कंप्लीट फैमिली। और बीजू के लिए भी मुझे बहुत दुख है, बीजू भी जा चुका है, पर अंत भला तो सब भला। भाई आप लोग ऐसा लगा कमेंट में जरूर बताएगा, जैसे लाइक करते जाए, कमेंट करते जाए, शेयर करते जाए और सब्सक्राइब करिए। बाय।